about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own. Assalamualaikum guys and welcome back to another vlog. Hey, मेरा क्या sentence? Yo, Assalamualaikum guys and welcome back to another vlog. आज का vlog जो है बहुत ज़्यादा ही कोई boring vlog है. तो आओ साथ आओ. तो आज का vlog जो है वो बहुत ज़्यादा ही boring vlog है, लेकिन अच्छा भी है. Try to making be, I'm trying to be consistent. बीच में बोला था कि मैं consistent हो जाऊँगा, लेकिन मेरे पे मैं हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मेरा जितना भी एम था कंसिस्टेंट होने का वो ज़्यादा ख़राब हो गया था. तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कंसिस्टेंट हो जाए फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होता हूँ जब मैं व्लॉग करता हूँ. तो आई एम प्लानिंग टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स द ओनली रीज़न. अगर मैं फोकस आउट हो गया, क्यों आउट हो गया भाई, अगर हो गया हो तो अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, मेरा मतलब है क्यों नहीं अच्छा. एनीवेज, तो आज का दिन जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी के लिए है सिर्फ. और हाँ, एक और बात, लेट रमज़ान मुबारक. बहुत देर हो गए, मैंने अभी तक क्या कहते हैं रमज़ान का व्लॉग नहीं बनाया. आज शायद 9वां या 10वां रोज़ है. तो यस, लेकिन जब आप लोग वाली वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त 11 रोज़ा होगा शायद, 11वां या 10वां भी हो सकता है. पॉसिबल तो ये है कि 11वां होगा, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि 10वां भी है, तो क्या पता. एनीवेज, हाउ इज़ लाइफ, बस ये बताओ. और बाकी अगर देखा जाए तो मैं जो हूँ वो मोस्टली अब व्लॉग्स थोड़ा कम बनाता हूँ, और मोस्टली नेचर और मेरी कहानी. जैसे मेरा वीडियो आई थी वो आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स उसके ऊपर करे कि आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक दोज सिनेमैटिक्स और अल्लाह वाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और एनीवेज, अब मुझे एक बात आप लोगों से करनी थी, वो ये करनी थी कि अब जैसे जैसे हमारा व्लॉगिंग चैनल बढ़ता जा रहा है, मीन्स बढ़ता जा रहा है, मेरा मतलब मैं कंसिस्टेंट होता जाऊँगा, तो आप लोग मुझे आइडियाज़ दो कि मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे मैंने अभी थोड़े से पहले जो है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, आके आप लोग बताएं कि आप लोग के क्वेश्चंस क्या क्या हैं. तो उसमें से कुछ मुझे याद है जो कि लोगों ने पूछे थे. एक बंदे ने मुझसे पूछा था, वो मेरे साथ हसन रज़ा फ्लैशबैक, या जिसके साथ मैं हारून खलील से मिलने गया था, वही बंदा. तो इसने मुझसे पूछा, यार फिएस्टा का व्लॉग कब आएगा. यार फिएस्टा, मैं बताता हूँ फिएस्टा का सीन क्या है. मैं जहाँ पढ़ता हूँ एपटेक में, वहाँ क्या कहते हैं, इन्होंने फिएस्टा वाटर पार्क जाने का ये प्लान किया था कोई, जिसमें मुझे व्लॉग किया था मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियोज़ जो है वो थोड़ी करप्ट हो गई, जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर सकता. कैमरा लेके नहीं गया था ना, मसला ये, किसी के साथ जा रहे हो तो कैमरा लेके जाना, आई डोंट थिंक इट्स सेफ. सही, एनीवेज, तो उसने बोला था कि यार तुम व्लॉग कब डालोगे. मैं बोला यार मैं डालूंगा ही नहीं व्लॉग, मैं नहीं डाल सकता, वीडियोस मेरी करप्ट है, मैं नहीं डाल सकता बिल्कुल भी. जिसकी वजह से अब एक और सवाल मेरे पास आया था, वो ये आया था कि यार एडिटिंग सॉफ्टवेयर सबको पता है, प्रीमियर भाई थक गया बता के अब. और एक और सवाल मेरे पास आया था, वो ये आया था कि जब आप एडिटिंग करते हैं तो आपको टाइम कितना लगता है. मुझे तकरीबन, आपका जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो मुझे तकरीबन 2-3 घंटे, और फिर रेंडर होने के लिए अलग 1 घंटा. तो अभी हाँ थोड़ा हार्ड सेट तो हो गया है प्रीमियर में, लेकिन थोड़ा फास्ट करना है, मींस यानी अगर मैं फ़ास्ट करना चाहूँ ना तो मेरे पास 4GB के रैम का लैपटॉप है, जिसकी वजह से मुझे अटक के वो बिल्कुल बहुत चलता है, और मैं फिर नहीं कर पाता एडिटिंग उसके ऊपर सही तरह. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर ले लूँ 8GB रैम, ताकि उसमें अच्छा प्रीमियर चले और उसमें अच्छी एडिटिंग हो. और एक और सवाल जो मेरे पास आया था वो ये आया था कि यार आपने अपना चैनल का पहले नाम ABABB व्लॉग्स क्यों रखा था. गर्मी लग रही है यार, पंखा चला दूंगा, माइक में आवाज़ आ जाएगी, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ. एनीवेज, तो मैं बता रहा था कि मैंने
व्लॉगिंग जो है वो ए बी बी व्लॉग से क्यों शुरू करी थी पहले, मेरे चैनल का नाम ए बी बी व्लॉग्स था ना, मैं बताता हूँ क्यों। इस वजह से क्योंकि मुझे लग रहा था कि ए बी बी व्लॉग्स जो है वो रेयर तरीन नाम है, किसी का रख ही नहीं सकता कोई इंसान ही, क्योंकि आप अभी भी अब्दुल्ला अब्बासी यूट्यूब पर लिखोगे ना तो मुल्ला पता नहीं कुछ लोग खुल जाएंगे, या मेरा चैनल नहीं आएगा। जब तक आप पूरा अब्दुल्ला अब्बासी व्लॉग्स ना लिख दो तब तक मेरा चैनल नहीं आएगा। तो मैंने सोचा था कि ए बी लिखता था, ए बी बी व्लॉग्स खुद ही आ जाता था, क्योंकि उससे जैसा कोई और चैनल था ही नहीं, सही है। तो तभी मैंने वो रेयर नाम रखा था। लेकिन अक्सर मैंने देखा था कि हसन खान ने जब मुझे शाउट आउट दिया था ए बी बी को 3-4 दफ़ा कर दिया था, हालांकि बी जो है वो 3 दफ़ा है, पहले ए बी और फिर ए बी बी, सही है। तो मैं लिख दूँगा नीचे, यहाँ देख लो ए बी था, तो उससे मुझे शाउट आउट गलत दे दिया था, तीन दफ़ा था। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसी वजह से मैंने कहा यार चलो नेम चेंज कर दो, मुझे सब बोल भी रहे थे कि अब व्लॉग्स सब बुलाते हैं, तो मैं अब व्लॉग्स, मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। मैंने जब अब्दुल्ला अब्बासी व्लॉग्स किया तो अभी भी अब्दुल्ला अब्बासी जो है वो अक्सर मैं अगर करूँ लिखूँ तो पता नहीं कौन लोग खुल जाते हैं, और अब्दुल्ला अब्बासी व्लॉग्स लिखूँ ना तो मेरा नाम आता है जाके। और हाँ, एक और बात भी करनी थी मुझे आप लोगों से, वो बाद में करते हैं, पहले इसका जवाब दे देता हूँ। तो इस वजह से मैंने अपना नाम, मैंने कहा चलो अब चेंज करते हैं यार, अब रखते हैं अब्दुल्ला अब्बासी व्लॉग्स, क्योंकि देख ये लोग जो है ना आते जाते रहेंगे, ये लोग सही कह रहे हैं यार कि मेरा नाम बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गया है, तभी मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। पाँचवा सवाल पता नहीं कौन सा है, एनीवेज तो आप बताएं कि आपने इंग्लिश में व्लॉगिंग क्यों शुरू करी। मैं बताता हूँ क्यों, वो इस वजह से क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी इंग्लिश की जो लैंग्वेज जो स्किल्स हैं, जो मैं इंग्लिश बोलने की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। और वो क्यों इम्प्रूव हो, वो इस वजह से इम्प्रूव हो बिकॉज मैं थोड़ा चाहता था कि मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तो है ही, तो मैं चाहता था सेकंड लैंग्वेज भी थोड़ी इंक्रीज़ कर जाए नॉलेज के थ्रू और बोलने के थ्रू। तो जिसकी वजह से मैं दोनों इंग्लिश की वजह से स्टार्ट किया, लेकिन लोगों ने इतना गंदे कोई कॉमेंट्स देना शुरू कर दिया दैट आई डोंट वॉन्ट अ ब्लॉग इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑन। देखा, अभी भी अटक रहा हूँ मैं इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं कर पाता ऑनेस्टली। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इंग्लिश में ब्लॉगिंग करने से मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, पता नहीं क्यों कहाँ से ऐसा फीलर मुझे आ गया कि इंग्लिश में ब्लॉगिंग करने से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। मैंने जो व्लॉग किसी के देखने शुरू करे थे वो थे मो व्लॉग्स, कहाँ रखूँ मैं इधर, एक सेकंड, इधर जगह है ना मेरे आसपास, यहाँ पर थोड़ी बहुत है ना, हाँ यहाँ इधर होगा, इधर मो व्लॉग्स का चैनल, सही है, मैं इसके चैनल पे देखा करता था वीडियोस। और मुझे इंग्लिश में कहा मैंने यार इंग्लिश में ब्लॉग करके यार तो हम बंदा अमीर हो जाता है यार, मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करी। फिर मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत कि ये बंदा जो है मो व्लॉग जो है वो पाकिस्तानी है, उर्दू बोलनी आती है लेकिन तब भी इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन आई एम रॉन्ग, पता नहीं कौन सी उसका है। तो मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि यार इंग्लिश में ब्लॉगिंग अच्छी है, मैंने इंग्लिश में ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी। और वो जैसी तैसी कोई भी हो, जितनी भी क्रिंजी मेरी व्लॉग्स ना मैं डाल दिया करता था तो इंग्लिश में भी, मतलब फिर मैंने देखा इरफान जुनेजो के चैनल के आई केम अक्रॉस पाकिस्तान्स बिगेस्ट फिल्म मेकर इरफान जुनेजो, और मैंने उस बंदे की वीडियोस देखना शुरू करी। मैंने कहा यार ये भी तो उर्दू में देखकर इतने सब्सक्राइबर्स कमा रहे हैं, व्हाई डोंट आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल इन उर्दू। फिर मैंने एक वीडियो डाली स्टार्टिंग व्लॉगिंग अगेन, देन आई स्टार्टेड माय व्लॉगिंग। अबे यार गर्मी लग रही है यार, पंखा चलाना नहीं चाह रहा मैं। मैंने फिर उसका चैनल देखकर मैंने कहा यार चलो करो उर्दू में ब्लॉग, जैसी तैसी हो रही है। मैंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड किया अपने फैंस के लिए, उसके अंदर अच्छे रिमार्क्स आए, चलो अच्छी बात है तुमने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, पता नहीं आई डोंट नो द नेम बट आई लव यूनिकॉर्न्स, आई डोंट नो हु इज शी कॉमेंटेड के प्लीज़ स्टार्ट ब्लॉगिंग अगेन, ऐसे ही कुछ कॉमेंट किया था। मेरे पास अभी मेरा फ़ोन नहीं है, मैं देख नहीं सकता, तो आई काइंड ऑफ फील मोटिवेटेड। मैंने दोबारा व्लॉगिंग शुरू करी, तब भी थोड़ी क्रिंजी और अजीब व्लॉग थी, ना एडिटिंग होती थी ना कुछ, नीचे वीडियो शो का निशान सब होता था। तो आई मीन मैं जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब था। तो अब बात जब आती है कि जब एडिटिंग करता हूँ तो मुझे एडिटिंग करने में बकायदा मज़ा आता है, क्योंकि जब पिछली दफ़ा मैं वीडियो शो पे एक मोबाइल के ऐप पे बैठ के एडिट किया करता था तब मैं ये सोचता था कब ये प्रीमियर सीखूँगा, ये लैपटॉप में कब का पड़ा हुआ है। एक दफ़ा तो मेरा दिल चाहता था कि मैं डिलीट कर दूँ इसे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार
सीख के देगा तू इस प्रीमियर को ऐसी की तैसी। माइकल कैम सही। तो मैं किसी तरह चाह के ना मैंने प्रीमियर सीख लिया, फिर मैंने प्रीमियर पे एडिटिंग करी, मैंने अब अच्छी थोड़ी ब्लॉग्स करने की कोशिश करी। स्टिल आई एम नॉट थिंकिंग दैट आई एम परफेक्ट। अबे यार माइक क्यों हिला जा रहा है, कैमरा क्यों हिला जा रहा है उससे। तो दिस इज़ हाउ माई लाइफ स्टार्टेड विद इंग्लिश, मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। एनी वेज, अगला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आया था, एंगल चेंज करते हैं, रुको, एंगल चेंज्ड। और अब मैं बताता हूँ कि अगला सवाल मुझसे क्या पूछा था। वो मुझसे जो पूछा था अगला सवाल, वो ये पूछा था कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन हैं। मेरे फेवरेट यूट्यूबर टॉप ऑफ द मोस्ट लिस्ट, माय इंस्पिरेशन अपॉन व्लॉगिंग, मिस्टर इरफान जुनेजो एंड द सेकेंड वन इज़ मो व्लॉग्स। इन दोनों ने मुझे इंस्पायर किया कि आई शुड व्लॉग। इन दोनों की वीडियोस इतनी टाइट होती हैं कि बस यार, एक इरफान जुनेजो, एक मो व्लॉग्स, और एक इधर मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इसे पॉइंट करके बता रहा हूँ। मुझे एडिटिंग नहीं आती कि मैं यहाँ पे कुछ डाल दूँ, सही है। वो उस वक्त मैंने डाल दिया क्योंकि वो आई नो इट्स ईजी, दैट्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन इधर मैं उन दोनों के यूँ डालूंगा नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, अभी सीखूंगा। तो माय इंस्पिरेशंस, मो व्लॉग्स एंड इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो से मिला और बहुत अच्छा लगा था मुझे इरफान जुनेजो से मिलके, फाइनली। एनीवेज, तो मो व्लॉग्स और इरफान जुनेजो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और फिर आते हैं मोरो भाई। ओ भाई मोरो हैं वाकई में, रेयर तरीन व्लॉग्स होते हैं उनका और बहुत मज़ा आता है देखने में। ऑनेस्टली क्या मजाक करते हैं भाई वो अमानुल्लाह वाला, अमानुल्लाह और वो एहसान भाई। मैं तो चाहता हूँ कि इरफान जुनेजो और मोरो भाई का फिर कोलैब हो, यकीन माने। क्या कोलैब वीडियो थी वो मोरो के भाई के चैनल में, मज़ा आ गया था। एनीवेज, वीडियो बहुत बढ़िया होती जा रही है। आखिरी सवाल पे आते हैं कि आप पहले किसे एडिट किया करते थे। यार अभी तो बताया वीडियो शो, तो पहले मैं वीडियो शो से करता था तभी उसका निशान आ गया था। एनीवेज यार, ये छोटा सा Q&A सेशन विद मी। और अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया, बल्कि अगर आपके क्वेश्चंस आए हो, तो अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो वट एवर, अगर आप लोगों को मज़ा आया और आपको अगर आपको अपने क्वेश्चन के जवाब मिल गए हो, तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इफ़ यू वॉन्ट यू कैन। बाय द वे यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। I'm gonna see you guys in the next vlog. I love you. Full steam through the setbacks. You can't win them all, but I'm proud I tried. Glad we had a dialogue. It's good to shake the mind.